हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो अबाउट द वेट लॉस है। बहुत कॉमन इशू है कि वेट लॉस नहीं होता, बहुत सी डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। तो आज मैं उन तमाम जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उसका एक निचोड़ लेकर आई हूँ। मीन्स कि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की, जैसे कि मोस्टली लोगों को नहीं पता कि मैं मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे भी हैं माशाल्लाह से। तो उस दौरान मैं मोटी हो गई थी और लोग मुझे कहते थे कि बहुत मोटी हो गई हो। तो मैंने एक माइंड सेट बना लिया था कि मैंने वेट लॉस करना ही है अपना। जो मेरा पहले का वेट था मैंने उसी वेट पे वापस आना है। कुछ मेरी शर्ट्स थी वो मुझे नहीं पूरी आती थी और मुझे बहुत दुख होता था कि ये मुझे वो कपड़े नहीं आ रहे हैं, मैं मोटी हो गई हूँ। तो मैंने वो अपना एक माइंड सेट कर लिया था कि मैंने वेट लॉस करना है और मैंने दोबारा से वो कपड़े पहनने हैं। और विद इन 2 मंथ्स मेरा वेट लॉस हो गया था और मैं दोबारा से अपने वो पुरानी वाली शर्ट भी पहनने लग पड़ी थी। तो ये एक माइंड सेट होता है कि आपने अपना माइंड सेट करना है। मोस्टली लोगों का बहुत कॉमन इशू होता है, बेली फैट हो जाता है बच्चों के बाद, या वैसे ही अनमैरिड्स का भी बेली फैट हो जाता है। कुछ भी थोड़ा सा भी खाते हैं तो वो फुल बॉडी पे फौरन से लगता है। तो इस जो मैं आपको आज डाइटिंग प्लान बताऊंगी वो उसमें आप तमाम चीज़ें खा भी सकते हैं और आपका वेट भी लॉस होगा। ये नहीं कि आप तमाम चीज़ें छोड़ दें और बिल्कुल भूख हड़ताल कर लें, ये भी नहीं है। आपने चीज़ें खानी है क्योंकि आपको न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर बात है आप बेड पर ही लेटे रहेंगे, आपकी डाइटिंग भी नहीं होगी, आपकी स्किन भी डल होगी और आपका वेट भी नहीं लॉस होगा। तो इन तमाम चीज़ों को मैं एक ही आपको डाइट प्लान बताऊंगी जिससे आपकी स्किन भी ठीक रहेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी इवन के और ज़्यादा, और आपका वेट लॉस होगा विद इन 2 मंथ्स। हंड केन में ये मोस्टली हम अगर तो मैरिड वुमेंस हैं उनका यही मसला होता है कि बेबी के बाद बैली फैट हो जाता है। इवन के जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनका भी बैली फैट हो जाता है, फुल बॉडी पे फैट चढ़ाता है, खाने को दिल करता है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और जो भी चीज़ हम खाते हैं वो फ़ौरन से हमारे बॉडी को लगती हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैंने देखते हुए जो मैंने स्टडी की और बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने जो चीज़ें यूज़ की आज मैं आपको वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो तमाम पॉइंट्स आपने कॉपी पेंसिल पर राइट कर लेने हैं, इवन के डाइट प्लान भी जो सुबह से लेकर रात तक मैं खाती हूँ, और जिससे आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी, आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं होगी। तमाम चीज़ें आप खाएँगे लेकिन एक प्रॉपर वे में खाएंगे वो तमाम चीज़। हाँ जी, तो सुबह उठती हूँ मैं, सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद आपने ड्रिंक पीना है, जो कि मैं ड्रिंक पीती हूँ वही आपने भी ड्रिंक पीना है। वो ड्रिंक कौन सा है, उसमें आप उससे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। फर्स्टली आपने नीम गर्म पानी लेना है 1 ग्लास, उसमें आपने चिया सीड्स ऐड कर देने हैं 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून आपने चिया सीड्स ऐड कर देने हैं और 15 मिनट के लिए आपने उसको छोड़ देना है और 15 मिनट के बाद आपने उसको पीना है। उससे ये होगा कि आपको एक तो क्रेविंग्स नहीं होंगी, फुल ऑफ फाइबर होता है इसमें और चिया सीड्स में कैल्शियम, हाई कैल्शियम होता है जिससे आपकी बॉडी को कैल्शियम भी मिलता है। और अगर आप दूध नहीं इंटेक कर रहे सुबह के टाइम तो वो आपकी दूध की भी कमी पूरी करेगा। एंड जिसको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है वो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म होगी। एंड अक्सर मोस्टली लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है उनका भी पेट जो है फैट लगता है, बैली फैट लगती है, तो वो आपका बैली भी कंट्रोल करेगी, फैट बैली फैट को प्रॉपरली कंट्रोल करेगा। तो ये ड्रिंक आपने मस्ट लेनी है, स्किप नहीं करनी। तो ये आपने सुबह लेना है खाली पेट, मीन्स के नहार मुंह जिसको कहते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। अब ये आप 2 पॉइंट्स नोट कर लें कि एक्सरसाइज एंड डाइटिंग दोनों चीज़ें अगर आप करेंगे तो ही आपको रैपिड वेट लॉस मिलेगा। अगर आप एक चीज़ कोई करते हैं तो आपका कभी भी वेट लॉस प्रॉपरली जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए मस्ट जो कि मैंने अपने सारी रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके मुताबिक मैं सुबह उठ के ये ड्रिंक पी के मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ट्रेडमिल करती हूँ। ट्रेडमिल आधा घंटा मैं करती हूँ। अब जैसे कि आप लोग बिगनर्स होंगे, स्टार्टिंग में आप करना शुरू करेंगे तो आपने 10 मिनट से स्टार्ट करना है, 15 से 30 मिनट पे आ जाना है। कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर ट्रेडमिल नहीं है तो आप वॉक कर लें, लॉन में कर लें, सहन में कर लें। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज अगर आपके पास आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ें ऊपर नीचे, आपने 10 चक्कर लगाने हैं तभी आपका वेट लॉस होगा। अदरवाइज़ आपका एक्सरसाइज भी लाजमी करनी पड़ेगी क्योंकि उससे आपकी बॉडी टोन अप होगी। और फीट एंड लेग्स की एक्सरसाइज जो होती है वो बेस्ट एक्सरसाइज होती है जिससे आपकी फुल बॉडी जो है वो वेट लॉस करे। उसके बाद आ जाता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती, पराठे वगैरह कुछ नहीं। जस्ट मैं एक ब्राउन ब्रेड लेती हूँ, आपने ब्राउन ब्रेड ही लेनी है। वाइट ब्रेड में शुगर होती है इसलिए ब्राउन ब्रेड आपने लेनी है। ब्राउन ब्रेड के साथ मैं एक एग लेती हूँ, फ्राइड एग, जो कि ऑलिव ऑयल में, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल होता है जिसमें वो फ्राई होता है,
और वो मैं अब खाती हूँ। साथ में जिन्होंने चाय पीनी है तो आप चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय में दूध कम पानी ज़्यादा होना चाहिए विदाउट शुगर। जब मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट में दूध नहीं पीती तो मैं जूस लेती हूँ, कोई भी एप्पल का या तो जूस लेती हूँ या फिर ऑरेंज का जूस लेती हूँ, 1 ग्लास पीती हूँ पूरा। उससे ये है कि आपकी स्किन भी ग्लो रहती है, आपके जो विटामिंस आपकी बॉडी को मिलने होते हैं वो भी मिलते रहते हैं। तो मैं प्रेफर ज़्यादा यही करती हूँ कि ब्रेकफास्ट के साथ मैं जूस लूँ, और जिनको एसिडिटी वगैरह है और वो मिल्क ले सकते हैं, जिनको स्टमक प्रॉब्लम होता है वो मिल्क ले लें, अदरवाइज़ आप फ्रेश जूस लंच टाइम से पहले अगर आपको भूख लगती है, क्रेविंग्स हो रही हैं और आपका कुछ खाने को दिल चाह रहा है, तो जब भी आपने स्नैक्स लेने हैं, स्नैक टाइम दो रखने हैं आपने, एक तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में और एक लंच और डिनर के बीच में आपने स्नैक टाइम रखना है। स्नैक टाइम में ये होता है कि हमारा कुछ चबाने को दिल चाह रहा होता है तो आप काले चने मिलते हैं भुने हुए, वो आप लोग खा सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका पेट भी नहीं भरता बिल्कुल भी, लाइट होते हैं बिल्कुल, और आपकी जो खाने पीने की क्रेविंग्स होती हैं वो भी पूरी होती रहती हैं। मैं जो भी सालन वगैरह बना होता है वही मैं लेती हूँ मोस्टली, साथ में मैं सैलड कट कर लेती होती हूँ। सैलड में मैं कैबेज, क्यूकम्बर, खीरे, बंद गोभी एंड टमाटर, एक छोटा सा सेब भी डाल देती होती हूँ। जो जो आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो सारी तमाम डाल दें और वो सैलड आपने खाना है। सैलड में आपने कोई क्रीम, कोई सॉस वगैरह नहीं ऐड करनी, जस्ट थोड़ी सी काली मिर्च और नमक आप ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा एप्पल साइडर विनीगर भी आपने इसमें ऐड करना है, वो भी आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, लंच में आपने जो भी सालन बना हुआ है वो ऑलिव ऑयल में होना चाहिए। एक तो मैं जो सा अपनी रूटीन में मैं हर चीज़ ऑलिव ऑयल में ही यूज़ करती हूँ, इसलिए आपने भी ऑलिव ऑयल में ही यूज़ करना है। उसके साथ अगर किसी ने रोटी खानी है तो आप रोटी खा सकते हैं, लेकिन हाफ रोटी आपने खानी है। अदरवाइज़ मैंने जो अपना डाइट प्लान किया था उसमें मैं सालन ही खाती थी, जस्ट स्पून से सालन खा लेती थी, साथ में सैलड ले लेती थी। और पानी जो आपने पीना है वो आपने खाने से आधा घंटा पहले पीना है, और फुल डे जितना भी आपने पानी पीना है वो आपने नीम गर्म पानी ही पीना है, ठंडा पानी अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें। इसमें अगर जिसने सालन वगैरह नहीं लेना तो आप टिक्का पीस भी ले सकते हैं। चिकन प्रोटीन जो है वो हमारी डाइट में ज़रूरी होना चाहिए, अगर हम प्रोटीन्स नहीं लेते तो हमारी बॉडी जो है वो भी सही परफॉर्म नहीं कर सकती वर्क, हम लेज़ी ही रहते हैं, तो इसलिए प्रोटीन लाजमी रखना चाहिए। तो सालन वगैरह जो सा होगा वो आप वेजिटेबल और बीच में आपका चिकन या मीट होना चाहिए, मीट भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 बोटी आप कोई भी खा सकते हैं। अदरवाइज़ ये मेरा लंच होता है। उसके बाद मैं स्नैक टाइम पर आ जाता है, कुछ भी मैंने खाना पीना हो ऐसे हल्का फुल्का, तो उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेती होती हूँ या फिर चने ही खा लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स अगर आपने लेने हैं तो ड्राई फ्रूट्स, एक तो मैं आपको बता दूँ बहुत गुड फैट होता है, वो आपकी बॉडी को चाहिए होता है, उससे ये होता है कि आपकी न्यूट्रिशन पूरी होती हैं। तो अगर आपने ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने तो आप कोई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो अपनी जितनी भी मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने डे में 2 टाइम फ्रूट, एक फ्रूट एक टाइम आपने लेना था, या फिर आप जूस सुबह ले लें या फिर आप फ्रूट ले लें, या और शाम को या तो आप ड्राई फ्रूट ले लें या फिर आप फ्रूट लें साथ में। तो मैंने एक और आपके साथ बात डिस्कस करनी थी कि मेरे मोस्टली इतने 80% व्यूअर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है मेरे चैनल को, एंड वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट बना के लाती हूँ फिर, इसलिए आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है ज़रूर। उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद हमारा शाम हो जाती है, शाम में आपने दोबारा से एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज की मैं ये पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है जिसमें क्रंचेस होते हैं और सिट स्टैंड अप्स होते हैं और स्किपिंग होती है, स्किपिंग भी आप कर सकते हैं, मीन्स के रोप स्किपिंग जो होती है वो भी बेस्ट एक्सरसाइज है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो डाइट प्लान होता है वो दो चीज़ों पे काउंट करता है, आपकी डाइटिंग भी होनी चाहिए साथ में आपकी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़ पे आप नहीं सिर्फ स्टिक हो सकते कि आप कह रहे हैं कि चलो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ तो इसी से ही मैं पतला हो जाऊँगा, नहीं, आपने डाइटिंग के साथ एक्सरसाइज रखनी है। 70% आपकी डाइट आपका वेट लॉस करेगी, 30% आपकी एक्सरसाइज आपका वेट लॉस करेगी, तो दोनों चीज़ों को आपने कंबाइन करके अपना वेट लॉस करना है। ऑरेंज हमारा आ जाता है डिनर टाइम। डिनर टाइम एक तो मैं आपको बता दूँ कि आपका टाइम फिक्स होना चाहिए डिनर का, आपने 8:30 तक या 7 o'clock से लेके 8:30 तक आपने अपना डिनर कर लेना है, उसके बाद आपने डिनर नहीं करना, कुछ खाना पीना नहीं है, ये आप अपना माइंड सेट बना लें कि आपने 8 बजे तक खा लेना है। अच्छा, अब डिनर में मैं क्या खाती हूँ, मैं कभी कभार पीस खा लेती हूँ चिकन का, या फिर मैं दलिया बना लेती होती हूँ वो भी खा लेती हूँ, लेकिन मोस्टली प्रोटीन चाहिए होता है तो मैं पीस ही खाती हूँ। आप भी
ग्रिल्ड पीस खाएंगे, ऑयली नहीं होना चाहिए, मतलब कि घी में जैसे पका होता है इस तरह नहीं। ग्रिल्ड आपने बारबेक्यू पीस लेना है, वो आपने खाना है हाफ क्यूकम्बर के साथ। जैसे कि लंच में भी हम सैलड का स्मॉल बॉल लेते हैं, इसी तरह हमने डिनर में सैलड लाजमी रखना है ताकि आपकी स्किन फ्रेश रहे, आपकी बॉडी में जो हाइड्रेशन मिलनी होती है वो भी आपको मिलती रहे। तो मैं हाफ क्यूकम्बर लेती हूँ, थोड़ा सा योगर्ट लेती हूँ साथ में 2-3 स्पून और पीस खाती हूँ। और अगर ये भी नहीं है, आपने नहीं खाना, तो आप डायरेक्ट वही सालन खा सकते हैं जो आपने दोपहर को बनाया हुआ है। साथ में आप 1/4 रोटी खाएंगे, मतलब कि आपने आधी रोटी का भी आधा पोर्शन खाना है। और साथ ही मैं आपको बताती जाऊँ कि आपने अपनी डाइट पोर्शन बहुत कंट्रोल रखने, कभी भी पेट भर के नहीं खाना आपने। जब भी आप पेट भर के खाते हैं तो वो आपकी बॉडी को ज़्यादा लगता है, मीन्स के जब आपका आपको लग रहा है कि मेरा पेट भरने वाला है, तो जब भरने वाला होता है आपने अपना खाना छोड़ देना है, आपने नहीं खाना। और ऐसा ऐसा आपको पता चल जाएगा कि मेरा पोर्शन कितना है, फिर आप उतना ही खाते हैं, आप ज़्यादा नहीं लेते। आपका स्टमक श्रिंक कर जाता है, श्रिंक करने से ये होता है कि आपको श्रिंक जब हो जाता है आपका, आपको भूख नहीं लगती और आपका वही रूटीन सेट हो जाती है। 2 मंथ आपका वेट लॉस हो जाएगा, उसके बाद आपने मेंटेन भी ऐसे ही करना है कि आपको फिर आपकी आदत बन जाएगी और आप मेंटेन रखेंगे इस वेट को। टाइम आपने कर लिया है डिनर में, डिनर के बाद आपने ड्रिंक पीनी है, जिसमें मैं ग्रीन टी पीती हूँ। ग्रीन टी में आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी दालचीनी ऐड करेंगे और लेमन ऐड करेंगे। ये आपने पी लेना है ड्रिंक रात को। आपने ग्रीन टी लाजमी पीनी है, शाम को एक्सरसाइज करके डिनर कर लिया, फिर आपने ग्रीन टी पी ली, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना, फिर आपने डायरेक्टली सुबह उठ के ही ब्रेकफास्ट करना है। एंड जब आप लंच करते हैं, लंच के बाद भी आपने वार्म वाटर 15-20 मिनट के बाद आपने वार्म वाटर लेना है। वार्म वाटर में आपने हनी एंड लेमन मिक्स करना है और वो आपने वार्म वाटर लेना है लंच के बाद, लेकिन डिनर के बाद आपने कहवा लेना है, ये जो मैंने आपको भी बताया है। तो ये थी तमाम चीज़ें जो कि मैंने फॉलो की और स्टिक रही मैं, मतलब कि मैं पंक्चुअल रही इसी पे। और मेरे चीट डेज होते थे लेकिन वो सिर्फ 2 होते थे, उसमें भी मैं पोर्शंस अपने कंट्रोल रखती थी। फिर कुछ भी खाएं आप उसमें, जो भी आपका दिल करता है, लेकिन आपने वीकेंड में 2 दिन ही खाना है या 1 दिन, जिसका वेट ज़्यादा है वो अपना 1 दिन ही चीट डे रखें, अदरवाइज़ आपने अपना पोर्शन कंट्रोल रखना है। तो इसी तरह से मैंने किया था, इसी तरह से आप करें। तमाम चीज़ें आपने पॉइंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और फिर मुझे बताएं कि 2 मंथ के बाद आपका कितना वेट लॉस हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।